स्टूडेंट्स, कल आप लोग चैप्टर 8 का पेज नंबर 1 और 2 पढ़ लिए थे। आज तीसरा पेज पढ़ेंगे। नो नो, आई एम फाइन, अजय सेड। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अजय ने कहा। करेक्शन सर, सुधार सर। यू सेड यू वेयर फीलिंग सिक, आपने कहा था कि आप बीमार महसूस कर रहे थे। आई एम प्रोग्राम्ड टू कॉल ए डॉक्टर एंड हेल्प, मैंने डॉक्टर को बुलाने की और आपकी सहायता करने की योजना बनाई थी। तारिक लुक्ड एट अजय, लुक्ड मींस देखा, तारिक अजय को देखा। यू आर श्योर यू आर ऑल राइट ही सेड, ऑल राइट मींस ठीक, उसने कहा। क्या तुम निसंदेह कह सकते हो कि तुम ठीक हो? यस आई एम फाइन, अजय रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। अजय ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। ही सेड फॉर्मली टू मंकू, फॉर्मली मीन्स दृढ़तापूर्वक, उसने मंकू से दृढ़तापूर्वक कहा। आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। कंटिन्यू With your cleaning, continue means जारी रखना, जारी रखो। अपनी सफाई जारी रखो। Command received sir, तब मंकू कहता है सर आदेश का पालन किया जाएगा। मंकू replied and turned back to cleaning, turned back means पीछे मुड़ा। मंकू उत्तर दिया और सफाई के लिए पीछे मुड़ा। अजय स्माइल एट तारिक, स्माइल मींस मुस्कुराया। अजय तारिक को देख के मुस्कुराया। कम टू माय रूम, मेरे रूम में आओ, ही सेड, उसने कहा। दिस रोबोट पोक्स इट्स नोज इन एवरीथिंग, पोक्स इट्स नोज का मतलब हस्तक्षेप करना। यह रोबोट जो है सारी चीज़ों में हस्तक्षेप करता है। करेक्शन सर, सुधार सर। यू आर इन एरर, आप गलत हैं। आई डू नॉट हैव ए नोज, मेरे पास एक नोज यानी नाक नहीं है। तारिक लाफ्ड, तारिक ने हंसा। बट अजय वाज एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज, लेकिन अजय नाराज था। दैट रोबोट इज सपोज टू हेल्प अस, सपोज मीन्स सोचा गया था। वह रोबोट या उस रोबोट के बारे में सोचा गया था कि वह हमारी सहायता करेगा। नॉट टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, ये नहीं सोचा गया था कि वह हमारे जीवन को कठिन बनाएगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्सापूर्वक कहा। आई कैंट इवेन मेक एन एक्सक्यूज टू डैडी बिकॉज इट बॉट्स इन, मैं अब डैडी से और ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं करूँगा, नहीं बनाऊँगा, क्योंकि यह बहुत ही अति कर दिया है। आफ्टर तारीख तारिक लेफ्ट, अजय वाज स्टिल एंग्री विथ मंकू। तो तारिक के जाने के बाद भी अजय मंकू से नाराज था। ही डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट द कंपनी दैट हैड सेंट मंकू टू देम, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, कॉन्टेक्ट मीन्स संपर्क बनाने का। वह निर्णय किया कि वह उस कंपनी से संपर्क करेगा जो कंपनी मंकू को उनके पास भेजी थी। ही कीड इन द नंबर ऑफ रोबोटिक्स इंटरनेशनल, रोबोटिक इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए वह की दबाया। ए स्माइलिंग मैंस फेस अपियर्ड ऑन द स्क्रीन, अपियर्ड मीन्स दिखाई दिया। एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति का चेहरा स्क्रीन पे दिखाई दिया। दिस इज रोबोटिक्स इंटरनेशनल,
मेकर्स ऑफ रोबोट्स फॉर योर होम। यह रोबोटिक्स इंटरनेशनल है जो आपके घर के लिए रोबोट्स बनाता है। मे आई हेल्प यू, ही आस्क्ड पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स विनम्रता पूर्वक। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। एस यू कैन, सेड अजय। अजय ने कहा कि हाँ, आप हमारी सहायता कर सकते हैं। ऑल हिज एंगर अगेंस्ट मंकू कमिंग बैक एज ही थॉट ऑफ द मॉर्निंग। अब सुबह में जिस तरह से वह मंकू के प्रति नाराज था, वह गुस्सा गायब हो गया, वह नाराजगी गायब हो गया। वी बॉट ए मंकू रोबोट टू हेल्प अराउंड द हाउस। हम आपकी कंपनी से मंकू रोबोट को खरीदे थे घर में सहयोग करने के लिए। एस हाँ, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा। आर यू हैविंग एनी डिफिकल्टीज विथ योर मॉडल्स। डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियाँ। क्या आपके इस मॉडल से आपको कोई परेशानियाँ हो रही हैं? एस आई एम, अजय रिप्लाइड। हाँ, मुझे परेशानी है, अजय ने उत्तर दिया। इट टेक्स एवरीथिंग आई से लिटरली। जो कुछ भी मैं कहता हूँ उसे यह सैद्धांतिक तरीके से लेता है। इट डज नॉट ऑलवेज डू व्हाट आई टेल इट टू। यह हमेशा वह कार्य नहीं करता है जो करने के लिए मैं इसे कहता हूँ। ही वेंट ऑन इन ग्रोइंग एंगर। उसकी गुस्सा बढ़ती गई। योर रोबोट मेक्स थिंग्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। रियली मीन्स सचमुच। आपका जो रोबोट है हमारे लिए सचमुच चीज़ों को कठिन बना देता है। इट टेल्स टेल्स टू माई फादर। यह मेरे पिता को कहानियाँ सुनाता है। इट लेट्स इन विजिटर्स आई डोंट वॉन्ट टू सी। वह उस आगंतुक को घर में आने देता है जिन्हें मैं नहीं चाहता हूँ। इट हैज नो सेंस। सेंस में समझ। इसके पास कोई समझ नहीं है। द स्माइल ऑन द मैंस फेस फेडेड। उस व्यक्ति के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। हैज नो सेंस, कोई सेंस नहीं है। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसमें कोई सेंस नहीं है? हिज वॉइस ग्रीव स्टर्न। उसका आवाज दृढ़ हो गया। आर डू यू मीन ही डज नॉट लाई। या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वह झूठ नहीं बोलता है? मंकू रोबोट्स डू नॉट टेल लाइज। मंकू रोबोट्स जो होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं। दे आर प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड टू क्लियर ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। वे लोग सत्य, अस्पष्ट और ईमानदारीपूर्ण कथन कहने के लिए बनाए गए हैं। एस हाँ, वेल ठीक है। मीन मतलब आई, मैं। आई रिग्रेट टू से दैट मंकू रोबोट्स डू नॉट डू वेल इन होम्स। आई रिग्रेट टू से दैट मंकू रोबोट्स डू नॉट डू वेल इन होम्स वेयर दे आर एक्सपेक्टेड टू टेल लाइज। मुझे कहते हुए थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है कि जो मंकू रोबोट्स होते हैं वह घर में झूठ बोलने के लिए नहीं बनाए गए होते हैं, या उनसे घर में झूठ बोलने की आशा नहीं की जा सकती है। वी विल हैव टू विथड्रॉ द मंकू रोबोट फ्रॉम योर होम। हम मंकू रोबोट को आपके घर से हटा देंगे या वापस ले लेंगे। बट